देखो ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन आज आपको दिखा दूं कि दो मोबाइल हैं, एक उनके हाथ में है जहां पर बिल शून्य है, ये आप देख सकते हैं इस मैसेज में कि शून्य यहां पर है बिल इनका, आप पकड़िए जी RS0। लेकिन एक बिल ये भी है कि 2,464 रुपए का बिल है, यहाँ पर फ्री नहीं है, ये कैसे हो गया जी? फ्री बोल दिया, लेकिन सवाल ये है कि पानी बढ़िया आ रहा है नहीं है, आता यहाँ पानी तो बढ़िया आ रहा है, लेकिन पानी कभी आता कभी नहीं आता, जब जरूरत है तब है ही नहीं पानी। हाँ जी बिल्कुल, तीन तीन दिन चार दिन से तो पानी आया नहीं, बड़ी दिक्कत है, पानी पीने के लिए पानी भी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान, दिल्ली में मौजूद हूं। चुनावी चर्चा लगातार चल रही है और अब गली गली में हम पहुंच चुके हैं, जानने महिलाओं की राय भी सबके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो क्या समस्या, क्या सोचती हैं, 5 साल में क्या बदलाव आया है, कितना कुछ बदला है। नमस्कार अम्मा, 5 साल में दिल्ली पूरी तरह से बदल गई क्या, आपका मोहल्ला पूरी तरह से बदल गया क्या, जीवन में कुछ बदलाव आ गया कि नहीं आया? जीवन में क्या बदलाव है, ना तो सड़क बनी, हमारी नाली ना हमारी लाइटिंग हुई, भाई ये है बिजली पानी थोड़ा फ्री हो गया बस। अच्छा बिजली पानी फ्री है तो वो फ्री भी नहीं, हाफ हो गया, हाफ हो गया बस। पहले जो बिल 400 का था अब 200 का है। हाँ लेकिन सवाल ये है कि वो है कब से, कब से हो रहा है? 5 साल से ही, ये तो हुआ 3-4 महीने से बिजली तो। अच्छा हाँ, पहले शुरू से नहीं था। पूरी उम्मीद है बस फरवरी तक ही रहेगा, इलेक्शन के बाद नॉर्मल हो जाएगा 101%। ये पता है आपको? ये पता है। केजरीवाल गारंटी लाए हैं कि हम गारंटी देंगे फिर 5 साल। नहीं 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 भैया, सरिता सिंह जब इलेक्शन लास्ट आने वाले थे तब सरिता सिंह आई थी और तब बोल के गई थी कि हम आएंगे, गली देखेंगे, सब कोऑपरेट करेंगे। एक बात ये बताओ, इन 5 सालों में कितनी बार तो यहाँ पे बार तो इन लोगों की, जमादारों की और इन सब की वो ये स्ट्राइक हुई है, कितनी गंदगी मस्ती है, कभी आके देखता है कोई? कोई नालियां तक तो देखता नहीं है कि नाली साफ हो रही है नहीं हो रही है, बच्चे नहीं रहते हमारे, खेल नहीं सकते हम लोग, कितनी बार कह चुके हैं यहाँ पे गेट लगवा दो, कैमरे लगवा दो, सब चीज करवाएंगे, यही होता है। कैमरों की तो बात करें कि दिल्ली में हर जगह कैमरे भी नहीं है, कोई पूछने भी नहीं आया। इवन एक बार पूछने तो आओ कि कैमरा लगवाने, क्यों नहीं लगवाएंगे हम लोग, हम लोगों की सेफ्टी, हमारे बच्चों की सेफ्टी हम क्यों नहीं लगवाएंगे? जब कोई पूछने आएगा, कोई करने आएगा तभी तो आएगा ना, होगा ना कुछ। कह दिया गया है कि इस गली वालों ने मना कर दिया गया है कि यहाँ पे नहीं लगवाएंगे, क्यों नहीं? मतलब मना कर दिया आप लोगों ने कि कैमरे नहीं लगेंगे, ये सुनने में आया है। पर्सनली कैमरे लगे हुए हैं लेकिन वो नहीं लगा रहे आके, ये तो कोई बात नहीं होता ना, पूछने भी नहीं आया। मेन है हमारे घर के, मतलब पहले हमारी सोसाइटी भी बनी थी गली की, हम लोग मतलब मेन है, तो कोई पूछने भी नहीं आया किसी चीज़ के लिए। हम लोग कितनी कंप्लेंट करते हैं नालियों की सफाई के लिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठता, कोई भी रूल नहीं बनते इस गली के, कोई रेगुलेशन नहीं है, इतना ट्रैफिक चलता है, हमारे बच्चे बाहर नहीं खेल सकते, हम बोलते हैं सब कुछ, कुछ करो, कोई कुछ नहीं करता। लेकिन अब सवाल यह है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरे से बीजेपी लड़ रही है, क्या दिख रहा है आपको इन दोनों चेहरों में, कौन दमदार है, जो कहता है वो करता है? देखो जो कहता है वो करता है, वो कोई भी नहीं करता, ये तो हमने देखा ही नहीं है इतने सालों में कि किसी ने कुछ बोला है और करा है, मैंने ये चीज़ देखी ही नहीं है। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो अब गलियां बन रही हैं, बाकी पूरे 5 साल कहाँ सो रहे थे ये लोग, आप ये बताओ ना कहाँ सो रहे थे? तो अब गलियां बन रही है और फिर भी हमारी गली तो वैसी की वैसी है, कोई नहीं आया। हाँ कोई बदलाव नहीं आया क्या? वाकई बदलाव नहीं आया, हमारी मोहल्ले का तो नहीं आया, खराब है, 3 बार गिर चुके, प्लास्टर लग चुका है हाथ में, कुछ हुआ कि नहीं हुआ 5 साल? नहीं, मैंने अभी बोला है उनको सड़क के लिए बोला केजरीवाल के उसकी सविता सिंह को, कितना जी 2,500 का बिल आया है, कहाँ पर बिजली फ्री है बताओ ना, और वो देख रहे हैं हम लोग कि 2,500 का कैसे आ गया, वो तो कह रहे बिल्कुल फ्री। मैं बता रही हूँ 2,500 का, अभी दिखा देती हूँ आपको, ऑनलाइन आता है हमारे, 2,500 का आया है, हम लोग देख रहे हैं कि क्यों आया है, क्यों आया है पता ही नहीं चल रहा है, कि लोड बढ़ा है क्या करा, क्यों आया है हमें पता तो चले, क्यों आया है 2,500 का फ्री कर रहे हो तो बिल। तो आप पूछने गए तो क्या कहा गया? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पूछने ही नहीं गए, ऑनलाइन आया है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बिजली एक्स्ट्रा, एक पोर्शन है हमारा उसमें 3 रूम्स है, तो उसमें कहाँ 2,500 का बिल आ सकता है, आप बताओ ना, जो फ्री कर रहे हैं उनसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, कहाँ से आएगा 2,500 का बिल? 2,500 का बिल आया है हमारा। इस बार फ्री पे वोटिंग है या विकास पे वोट? नहीं, विकास पे वोट करेंगे हम, और मैं सपोर्ट में थी केजरीवाल के, मेरे हस्बैंड नहीं थे बट मैं सपोर्ट में थी, बट मैंने ये देखा कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ है तो मैं सपोर्ट में नहीं हूँ। मतलब बदल गई आप? हाँ बिल्कुल, जो क्योंकि बार वोट दिया था केजरीवाल को? हाँ दिया था, क्योंकि देखा जाना चाहिए ना भाई, आप 5 साल हमने आपको देके देख लिया, हम ये देखेंगे ना कि आपने कितनी तरक्की करी है, जब आपने कुछ करा ही नहीं है हम लोगों के हिसाब से तो हम क्यों देंगे वोट आपको?
पाँच साल में जब आप हमारी गली में नहीं आए, सपोज आप समझ लो हमने आपको अपनी तरफ से जिताया है, आप आओ तो सही। आपकी विधायक यहाँ पर नहीं आई, सरिता सिंह जीती है इधर की साइड से, सरिता सिंह नहीं आई है, अभी परसों दो तीन दिन पहले आई है वो पार्क में। आप उस पार्क की जाके स्थिति देखना, उस पार्क का इतना बुरा हाल है, पार्क वार्क कुछ तो सही करो। वहाँ पे आके बैठी थी तो गली में सब लोग नहीं इकट्ठे हुए थे, बट मैं जाती, मैंने इनको बोला था मेरे को आप बुलाती और मैं जाती तो मैं ज़रूर क्वेश्चन करती उनसे कि जब आप वोट लेने थे तब आई थी और उसके बाद अब आप आई क्यों नहीं, जब तक अब इलेक्शन आ गए फिर आ गई हो तो इसका क्या फ़ायदा है। आप ये बताओ ना हमारी गली, आप भी देख रहे हो इस गली का, जरा इसका भी ब्यौरा लो कि इस गली में कहां से आपको सही दिख रही है गली अच्छी है, और अब बनने का टाइम है इलेक्शन। बारिश के दौरान तो पानी यहां पर लबालब हो जाता है, भर जाता है, सारी नालियां ऊपर आ जाती हैं। आप ये देखो नालियों का इतना गंदा हाल है, इतना बुरा हाल है नालियों का, यार कुछ तो अच्छा करते हैं ना, कुछ तो अच्छा करते हैं ना। हम लोग कंप्लेंट कर करके डालते रहते हैं, मेल डालते रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होता है, कुछ भी, कभी भी नालियां ना ही बनी है और ना ही सफाई होती उनमें। आप ये बताओ हमारे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती, मच्छरों के टाइम पे मच्छर नहीं आते क्या? हम लोग नीचे रहते हैं, हम लोगों के बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बीमारियां फैलती हैं इन सबसे, जब हमें बेनिफिट ही नहीं हम क्यों दें वोट? आपका वोट फ्री पे नहीं है, नहीं है आपका वोट सुविधाओं को है, जो सच कहे जो करके दिखाए उसको क्यों? हम लोग पैसे खर्च करते हैं ना, फ्री कहाँ है? आप बताओ ना 2500 की बिजली का बिल आया, फ्री का है? आपका क्या वो मतदान है जी, इस बार क्या सोच के जाएंगे? फ्री बस, फ्री बिजली, फ्री पानी पर मतदान है या विकास करने कोई आए उस पर? विकास, विकास। कौन है वो विकास? इधर मोदी का चेहरा है, उधर केजरीवाल का, इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो कौन? तो हो चुका, केजरीवाल को देख लिया, मोदी को देखेंगे, खत्म। केंद्र में कैसा दिख रहा है आपको मोदी का काम? केंद्र में तो दिख रहा है टॉप है, बहुत टॉप है, मोदी है, मोदी है, मोदी शेर है, मोदी वाकई में ही कोई चीज है, वाकई में उसने कुछ करके दिखाया है। सर्जिकल स्ट्राइक करी है, कितनी सारी चीजें करी है, कितना और कितना देखोगे यार, 370 हटा दी, सब चीज करी है, आप न्यूज देखते हो, सब कुछ देखते हो, तो कुछ करो ना, ऐसे बंदे को कुछ दो ना, जब वो केंद्र में है तो उसने इतना कुछ करके दिखा दिया, हो सकता है यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी कुछ करके। लोग विरोध बड़ा कर रहे हैं, वो नागरिक संशोधन कानून लाए उस पर विरोध लगातार आग जनी, दिल्ली में खुद देखा रहे ना, काम दिमाग से नहीं ले रहे ना। अच्छा, हाँ दिल से काम ले रहे, दिमाग से लेंगे तो मोदी है। आपको क्या दिख रहा है जी, जो लगातार आग जनी हुई, बसों में आग लगाई गई, क्या वो सही था? वो सब सही कुछ नहीं था, वो सब ना, ये आप एक ये समझ सकते हो ना कि एक इलेक्शन आ रहे थे, वो लोग अपने आप को दिखाने के लिए और मोदी को गिराने के लिए कुछ ना कुछ गलत करेंगे। ये देखो अब हम अपनी गली में 10 मिनट खड़े ही नहीं हो सकते, हमने इतनी बार बोला था कि यहाँ पे पिलर लगा दीजिए दोनों साइड में, एक साइड में गेट लगा दिए, कोई सुनवाई नहीं है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती गली में। ये बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर ट्रैफिक की दिक्कत है और कितनी प्रॉब्लम है ये आप देख सकते हैं। वो देखिए वो स्कूटी में लग चुका है, ये देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है और उसके बावजूद कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। लेकिन इस बार 8 तारीख को आप कहाँ वोट देने जा रहे हैं? देखो अब जब वक्त आएगा बताएंगे, अभी तो घुमा फिरा के है, छुप छुपा के वोट है क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात, सीधा है, सीधा है वोट। केजरीवाल को है या मोदी को? नहीं, मेरा तो केजरीवाल को है, केजरीवाल को है। तो इनका बिल जीरो आता है ना, इनका बिल जीरो आता है ना। आपका किसको वोट? केजरीवाल को। बढ़िया काम हुआ, अच्छा हुआ, पानी फ्री है, लाइट 200 यूनिट फ्री है, आगे भी देखो क्या होता है। अच्छा, मोदी ने काम कैसा किया? अच्छा किया, बहुत ना, मोदी का भी बहुत अच्छा हुआ। केंद्र में काम आपको अच्छा? हाँ हाँ अच्छा लगा। लेकिन मोदी के उस काम को देखकर वोट यहाँ पर नहीं है? नहीं नहीं, उसका भी है, उनका भी है। आपको क्या दिख रहा है जी, इस बार कौन जीत रहा है दिल्ली? मोदी जीतेंगे, मोदी जीतेंगे। आपकी फ्री जो पॉलिसी है उस पर मतदान नहीं है? देश के लिए सोच रहे हैं वो, हमें तो देश के बारे में सोचना है, फ्री क्या कम कर दे, लिमिट में करे, बस यही चाहते हम तो, यही है। वाकई बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही कि फ्री नहीं बल्कि देश के बारे में सोच रहे हैं, और ये बड़ी बात है। लेकिन लिमिट में होना चाहिए सब कुछ, मतलब सबके लिए बराबर हो, के लिए बराबर हो। वाकई ऐसा कम देखने को मिलता है। लेकिन आज आपको दिखा दूं कि दो मोबाइल हैं, एक उनके हाथ में है जहाँ पर बिल शून्य है, ये आप देख सकते हैं इस मैसेज में कि शून्य यहाँ पर है बिल इनका, आप पकड़िए जी RS0। लेकिन एक बिल ये भी है कि 2464 रुपए का बिल है, यहाँ पर फ्री नहीं है, ये कैसे हो गया जी? पहले बिल कितना आता था आपका? पहले हमारा 1200 आ गया, 1500 आ गया, जीरो तो कभी नहीं आया। ऐसा भेदभाव क्यों कि किसी के साथ?
आप ये देखो ना, वो लोग भी बोल रहे हैं कि बिजली के बिल में कोई भी ऐसी माफिया कुछ भी नहीं है। वाकई बड़ी बात। आपका बिल फ्री आया कि नहीं? नहीं जी, हमारा तो बिल क्या, हमारा तो पहले का बिल रुका हुआ था, तो हमारा इस वजह से मीटर उतरा पड़ा है, तो उसकी वजह से भागा दौड़ी करे, तभी कोई मीटर नहीं लग पा रहा हमारा। नहीं लगा? और बिल कितना आ रहा है? बिल हमारा 21,000 रुपए का करीब आएगा। 21,000? हाँ जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली का करी, लेकिन कुछ भी माफ नहीं है, ना बिल माफ है ना कोई माफ है, बस बिजली के बिल की तरफ से थोड़ी सी अटकर आ रही है। आप क्या कहेंगे जी, बिजली बिल फ्री आ रहा है? फ्री आ रहा, फ्री आ रहा, पानी भी फ्री, बिजली फ्री। अच्छा, और अब आगे भी? अच्छा अच्छा, आपका फ्री पे इस बार मतदान है क्या? हाँ जी, फ्री पे मतदान है आपका कि विकास पे मतदान है? विकास पे, विकास होना चाहिए, विकास पे भी होना चाहिए। हाँ जी, फ्री पे नहीं, विकास पे नहीं, हर चीज फ्री अच्छी भी नहीं लगती। अच्छा, थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए। वाकई काम तो होना चाहिए ना। देखो सड़क में दो दफा गिरा हूँ, ये देखो यहाँ पे खड़े पड़े हुए हैं, मगर कोई आके राजी नहीं। सविता सिंह आई है, कर देंगे, आज आ रही है, कल आ रही है, कल हमारे कह रही कैमरे लगा देंगे, नहीं लगाए। दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। आज केजरीवाल ने काम किया है, कितने लोगों को पता है कि वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट 800 करोड़ के डेबिट में है? बता दो किसी को, जिसको 24 घंटे पानी मिलता है, 800 करोड़ के डेबिट में है, 800 करोड़ रुपया बिना बताए लोग पानी बंद कर देते हैं। तो सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं गवर्नमेंट की। अब आप, एक आदमी मर गया, केजरीवाल ने क्या अपने घर से दे दिया 2,00,000 रुपया दे दिया, गवर्नमेंट का दे दिया, गवर्नमेंट के हिसाब से फैसिलिटी दे दो और गवर्नमेंट डेफिसिट में चली जाए, बाद में हम जाएंगे जो होगा देखा जाएगा, इस पॉलिसी पर चल रहा है। बात यह है कि केजरीवाल IAS ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा दिमाग लगा रहा है वो, ये इन केन प्रकार उसने पूरे कैलकुलेशन लगाए हुए हैं कि 70% लोग कैसे हैं, अनपढ़ हैं, क्या हैं, जाहिल हैं, उनको कैसे टैकल किया जाए, यही उसकी जीत है। मतलब वोट कैसे लिया जाए, भ्रम पैदा तो नहीं हो रहा कहीं? बस 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 बस, 70% लोगों को टैकल किया है उसने। हाँ, टैकल किया। पानी फ्री बोल दिया, लेकिन सवाल यह है कि पानी बढ़िया आ रहा है? नहीं आता, यहाँ पानी तो बढ़िया आ रहा है, लेकिन पानी कभी आता कभी नहीं आता, जब जरूरत है तब है ही नहीं पानी। हाँ जी बिल्कुल, तीन दिन से तो पानी आया नहीं, बड़ी दिक्कत है, पानी पीने के लिए पानी भी नहीं है। 2 दिन से पानी नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा काम? बताओ ऐसे क्या करें, अब तो सरकार ऐसे चला रही है, चार दिन से नहा ही नहीं, नहा खड़ा पानी कैसे आएगा ना, पानी ये बात नहीं आया पानी। आप किस तरह से पानी, कितनी ही बार सीवर से लाइन मिक्स हो रही है, पूरी टंकी साफ कराते हैं, 300 रुपए टंकी वाले को देते हैं, फिर भरते हैं, ये पानी भर रहा है टंकी। हाँ जी हाँ, सीवर से लाइन मिल जाती है रस्ते में। अरे जी, वादे झूठे हैं या सच्चे? झूठे हैं, झूठे होंगे। अंदर से क्या पार्क में ये क्या करेगी, क्या कर, कांग्रेस में जिंदाबाद, कांग्रेस में बैठे हैं, कांग्रेस भी है रेस में, और क्या है, कांग्रेस रेस में है, कांग्रेस रेस में हमारे में, कांग्रेस के में बैठे। आपका वोट केजरीवाल? आपका वोट मोदी? आपका वोट मोदी? आपका वोट मोदी? आपका वोट मोदी? आपका वोट जी, वोट केजरीवाल को, हर हर मोदी। तो जनता ने बेबाकी से अपनी राय बताई कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इन 5 साल में यहां पर क्या हुआ, कितनी बार आम आदमी पार्टी की सरकार यहां पर पहुंच पाई, और क्या मोदी और केजरीवाल दिल्ली में बड़ी रेस में है, कौन जीतेगा इन दोनों में से, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जनता ने बता दिया कि बिजली और पानी का खेल अभी चल रहा है, देखना होगा ये खेल आखिरकार कब तक चलेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। अपने सहयोगी सार्थक शर्मा के साथ नवीन चौहान, दिल्ली, एडवांस इंडिया।